अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 अप्रैल तक 1 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉन। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका किमतार रजोल तमाम आदत के 12वें घर में रुझत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने जारी अखराज जो उनके मुतल खासी अच्छी या मुस्तहकम प्लानिंग करना पड़ेगी, मनसूबाबंदी बहुत डाढ़ी करना पड़ेगी ताकि आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। बुज़ुर्गों के तजर्बा से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा और गैर ज़रूरी सरमायाकारी या बिल्कुल एक्स्ट्रा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे हर हाल में गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 25 अप्रैल को आपके सामने आने वाले जो मसाइल हैं उनको अपने महदूद मसाइल के बायस जो है आप हल नहीं कर पाएंगे, यूँ लगेगा जैसे आपके काम में रुकावटें पैदा हो गई हैं। तो यकीनी तौर पर ये अगर है तो आप इसको थोड़ा सा हौसले से तहमल से लीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं होता तो उसे रोक दीजिएगा, अगले दिन पे बात डाल दीजिएगा, यकीनन अगला दिन आपके लिए बेहतर साबित होगा। 26 अप्रैल को आपके तलुकात में बेहतरी आने के साथ साथ आपका मुकद्दर भी आपका साथ दे सकेगा, जिसकी वजह से आपकी कारोबारी पोजीशन जो है खासी मजबूत या मुस्तहकम हो सकेगी। 27 अप्रैल को आपके करियर और जो करियर में पैदा होने वाली परेशानियां या मसाइल थे उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह से आप खुद को पहले से खासा रिलैक्स फील करेंगे। 28 अप्रैल को हासदीन की नज़र बद से बचना बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है उनसे थोड़ा फासले पर रहिएगा। 29 अप्रैल को मुश्किल और अहम फैसले करने का वक्त होगा, लिहाजा तहम्मुल मिज़ाजी और इत्मीनान से इस काम को सर अंजाम दीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में पछतावा लाहक ना हो सके। 30 अप्रैल को आपको कारोबार और करियर से मुतल अमूर जो हैं वो खास नाजक या सेंसिटिव पॉइंट में होंगे, जिसकी वजह से आपको देखना होगा कि उनकी सेंसिटिविटी से बचिएगा क्योंकि वरना बाजी उलट सकती है। 1 मई को दोस्त अहबाब का साथ आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सारा जोल तमाम अजाज के 11वें घर में रुझत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी सियासी और समाजी पोजिशन का खास तौर पर ख्याल करना होगा और इस दौरान जो भी बातचीत होगी उसमें अल्फाज का चुनाव खासा अहम है, अपने लहजे पर काबू रखना होगा और आपकी अल्फाज की अदायगी किस लहजे में कर रहे हैं उससे ही जो दूसरों पर जो है असरात मुरतब हो सकेंगे, जबकि आपकी ख्वाहिशात जो हैं उनमें भी थोड़ा ताखीर हो सकती है। इसके साथ साथ आपका ज़ैली हाकम जो यूरेनस तमाम मजाजे के 3रे घर में ही क्याम पजीर रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 25 अप्रैल को आपके शराकती काम मुनाफा पक्ष साबित हो सकेंगे, 26 अप्रैल को शरीक यार के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं मजीद बेहतरी की तरफ जारी और सारी रहेंगे, 27 अप्रैल को आपका घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा, 28 को बैरून मुल्क से मुतलका जो भी कोई प्रपोज आपका जो सफ़र था या आपने फाइनल कर किया हुआ था उसमें थोड़ा ताखीर है, इसलिए जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा। 29 अप्रैल को आपको अपनी पर्सनल कन्वेंस या जाती सवारी की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, 30 अप्रैल को रूहानियत के शौक या रूहानियत के हसूल के लिए आपकी जो रहनुमाई करने का जो सिलसिला है वो शायद जिनके ज़िम्मे आपने रखा है या जहाँ से आपको तवक्को शायद वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडलाइन ना मिल सके। 1 मई को ख्वाबो ख्याल में मगर रह सकते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि इंसान अपनी सोच अपनी ज़ात अपनी सोच और अपने ख्यालों के साथ ही वक्त गुजारते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ते साथ या मनफी असरात के हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम तरह मिश्री तमाम अदाज के 7वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके जो मुश्तरक मामलात हैं मुश्तरक काम हैं या जिनमें आपने पार्टनरशिप की हुई थी वहाँ आपकी अपने शरीक-ए-कार यानी बिजनेस पार्टनर जो है उसके साथ ताल्लुकात जो है थोड़ा कशीदा हो सकती हैं, ऐसे में आपको खासा मुहतात रहना होगा और इस दौरान को अगर कोई आपने मुआहदा तय कर लिया या थोड़ा सा पहले से किया हुआ था तो उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसके नतज भी आपके लिए खास खुशगवार होंगे। ये आपके बिजनेस पार्टनर की बात थी, अब लाइफ पार्टनर की बात आएगी तो यकीनन वहाँ आपको
نرم لہجہ میں گفتگو کرنا ہوگی، سکون سے تحمل سے اپنے لائف پارٹنر کی بات سننا ہوگی تاکہ معاملات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف نہ جا سکیں۔ آپ کا ذیلی عقرب نیپچون جو ہے وہ تمام ماہ آپ کے تالے میں ہی موجود رہے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ، 25 اپریل کو آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو سراہا جائے گا، وہاں سے آپ کو خاصی اپریسیشن ملے گی جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بلٹ اپ ہوگا، آپ کی خود اعتمادی جو اس میں اضافہ ہو سکے گا۔ 26 اپریل کو قسمت کے ساتھ آپ کو حاصل رہے گا جس کے باعث بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہو سکیں گے۔ 27 اپریل کو وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ 28 اپریل کو ہاتھ دن کے بد ارادوں سے آپ کو بچنا ہوگا، اور اس کے وجہ سے ہی شاید اگر آپ اس طرح سے ہاتھ دن سے بچ جائیں گے تو یقیناً آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ 29 اپریل کو جن سے مخالف کا کوئی فرد آپ کی خاص توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ 30 اپریل کو عزیز و اقارب اور رشتے داروں کے تعاون سے اپنے وراثتی مسائل کو احسن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور یقین رکھیے گا اس سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ خاصی ڈیسنٹ ہوگی، مزید پروکار ہو کر دوسروں کے سامنے آئے گی۔ 1 مئی کو فضول خرچی کے ہر طرح کی فضول خرچی سے گریز کیجیے گا، اور اگر جو جاری معاملات ہیں جہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے بالکل جائز ہو رہا ہے تو وہاں بھی تھوڑا دیکھیے گا کہیں کٹ مار کر سکے، کچھ نکل سکے، کچھ اس میں بچت ہو جائے، یا آپ کو پتہ چلے کہ یہاں ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو یقیناً دونوں طرف سے آپ کو فائدہ ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق ہی گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ کا چوتھا اور آخری حصہ بھی مکمل ہوا، ہفتہ جو ہے تکمیل کو پہنچا۔ عامر میاں اور اسٹاف کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، کچھ نئے حالات واقعات، کچھ نئی اسٹار بمپس کا، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔